हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रैंच सिमुलेटर। तो गाइस वो दिन आ चुका है जहां हम बनाने जा रहे हैं 100 सॉसेजेस एंड 100 मीट बॉल्स। तो गाइस ये हमारा आज का चैलेंज रहेगा, देखते हैं हम सही से पूरा कर पाते हैं कि नहीं। कर लेंगे गाइस, टेंशन ना लो, कर लेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना और वक्त गवाए। तो सबसे पहले गाइस हम लोग चलते हैं अपने बान की तरफ, हम देखते हैं कितने पिक अपने तैयार हो चुके हैं। मेरे को एक दिख रहा है, एक मोटू दिख रहा है। ये तो चार बच्चे हैं, एक ये बच्चा है, तो एक दो दिख रहे हैं मेरे को। यानी दो लोग अपने तैयार हैं, दो पिक तैयार हैं। तो मैं इनको ले आता हूँ एंड इनका काम खल्लास कर देता हूँ। अरे हट जाओ, अरे उनसे दोस्ती नहीं करनी, हटो भाई बहुत नहीं के। हाँ हाँ आ जाओ, निकलते हैं यहाँ से। मेरा नहीं ख्याल गया इसकी सॉसेजेस और मीट बॉल में चीज जितना पैसा मिलेगा अगर मल्टीप्लाइन में भी बेचते हैं तो, बट देखते हैं क्योंकि हमारे पास 200 आइटम्स हैं तो शायद अच्छा खासा पैसा मिल जाए, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे डब्बे नहीं है, मेरे को डब्बे लाने पड़ेंगे। तो गाइस ये देख सकते हो हमने थोड़ा बहुत और चेंजेस किया था। ये देख सकते हो यहाँ तक हमने सीढ़ियाँ लगाई थी, हमें सीढ़ियाँ नहीं वो छत है। और ये देख सकते हो हमारे मिल्क विल्क यहाँ है, और ये हमारा एक पिग है शायद यहाँ पे, और वो क्योंकि मर चुका था, पता नहीं क्यों मर गया था, बाल्टियों के बीच में फंस गया था भाई साहब, मतलब समझ सकते हो बाल्टियों के बीच में फंस गया। इसका काम खल्लास एंड रुको, हम लेके आते हैं गाइस, डब्बे ले आते हैं, तब काम आसान रहेगा थोड़ा। वेल ये रहे अपने डब्बे, चलो इनको रख लेते हैं अपन गाड़ी पे। अब अपने मीट को कलेक्ट कर लेते हैं ये डब्बों में एंड फिर काम चालू करते हैं, प्रोडक्शन चालू करते हैं। आ जाओ हमारे डब्बे, अरे ऊपर से आना पड़ेगा। इसमें चिकन सॉसेज सलामी क्या कर रहा है, चलो इसको अपन साइड में रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। ये कलेक्ट कर लेते हैं गाइस, हम लोग ये सारा उठा लेते हैं। ये आई थिंक हाँ एक ही पिग है वैसे तो, या फिर दो पिग है, ये पता नहीं, दो पिग का मार दिया अपन ने, शायद दो पिग मार दिए होंगे मैंने, मेरे को भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कल खेल रहा था, थोड़ा बहुत ये सब सेटअप कर रहा था एंड तभी हमारा एक पिग मर गया था। चलो कोई नहीं, अच्छा है, अपने काम ही आएगा। बनाना तो हमें खैर वही है जो कहा है। ओ भाई कितने डब्बे भर गए भाई, 1 2 3 4 डब्बे ऑलमोस्ट भर चुके हैं, ये पाँचवा है, पाँच डब्बे ऑलमोस्ट। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से जमा देता हूँ लाइन बाय लाइन एंड ये वाला नहीं, ये वाला बाद में। और यहाँ पे भी एक पिग मारा है, अरे भाई 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 वो मेरे को लग रहा है इसके पीस कम मिले हमें, क्या मैंने जल्दी मार दिया इसको, आई थिंक मैंने जल्दी मार दिया गाइस, क्या डब्बे कम पड़ गए, बट कोई नहीं। यहाँ गाइस प्रोडक्शन चालू करने से पहले मैं देख लेता हूँ अपने चिकन्स के पास इनफ खाना पीना है कि नहीं, के बीच में मर जाएंगे तो फायदा नहीं। ओ भाई खाना खत्म है, खाना तो खत्म है, खाना लाना पड़ेगा। और अंडे का क्या हाल है, ओ भाई अंडे भी हैं इधर अंडे भी हैं गाइस अभी, तो मैं अंडे कल भी कलेक्ट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ देख सकते हो अंडे कैसे फुल हुए हैं भाई, ओवरफ्लो हो रहे हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं सारे के सारे अंडे। तो मैं काम करता हूँ, खाना ले आता हूँ इनके लिए और साथ ही साथ कुछ और डब्बे भी खरीद लूंगा क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे डब्बे चाहिए होंगे, इतने कम से काम नहीं चलेगा। मेरे पास मिला के 20 होंगे अंडे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अपन डब्बे ले लेते हैं, खाने ले लेते हैं एंड चलते हैं जनरल स्टोर थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। ओके आ चुके हैं हम, इसको मैं अच्छे से लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि हम अंदर डाल पाए, बट लगा नहीं, कोई नहीं ऐसे ही ठीक है इसके मैं पीछे का ये खोल देता हूँ, टेल गेट खोल देता हूँ। चलो अब खरीदते हैं हम अपना सामान जो जो चाहिए। तो मेरे को बैग ऑफ वीट काफ़ी सारा चाहिए होगा तो मैं 20 ले लेता हूँ क्योंकि पता नहीं गेम के कितने दिन लग जाएंगे मेरे को ये करने के लिए। अरे भाई एक तो एक बार मैं 10 ही खरीद पाते हैं, ये लॉजिक मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया। खैर 20 मैंने ज़्यादा ही ले लिया शायद, डब्बे ले लेता हूँ 10 डब्बे, शायद ज़्यादा ले लिए पता नहीं, हम सब कुछ ज़्यादा उठा रहे हैं। और मैं एक एक एग बास्केट भी ले लेता हूँ, एग बास्केट काम आएगा अपने, वो वाला तो पूरा ओवरफ्लो हो चुका है। तो कितने अंडे आते हैं गाइस एक बास्केट में, आई थिंक 250, किसी को पता है तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने अंडे आते हैं एक एक बास्केट में।
कोई नहीं, अपन जब तक ये सब जमा लेते हैं एंड फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। बाय द वे गाइस, इस हफ्ते हम लोग एक बहुत बढ़िया गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है प्रिजन सिमुलेटर। एंड काफी सारे लोग बोल रहे थे खेलने को, तो मैंने डेमो खेला था उसका कुछ टाइम पहले, बट अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो 20 मई को रिलीज हो रहा है, लेकिन हम 20 मई से पहले ही खेल लेंगे गाइस, तो ये गुड न्यूज है। एंड दो तीन दिन में मैं उसका भी गेम प्ले डाल दूंगा, उसकी भी सीरीज डालना चालू कर दूंगा, तो होपफुली आप लोग को भी पसंद आए। तो कमेंट में जरूर बताना कि प्रिजन सिमुलेटर देखना चाहोगे कि नहीं, आई मीन सिमुलेटर गेम है तो मजा ही आएगा। एंड मैंने उसका डेमो भी डाला हुआ है, तो अगर आप लोग को डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके देखना। ओके, हमारा सारा सामान आ चुका है, बट एक बास्केट और देख सकते हो भाई, पूरी जगह भर चुकी है। एक बास्केट यहाँ रख पाएंगे हम? हाँ, ओ भाई पूरी जगह भर चुकी है। पता है मैंने कल ट्राई भी किया था, जिस दिन हम शायद अपनी गाड़ियाँ ला रहे थे, जिस दिन गराज बनाया था हमने, मैंने ट्राई किया था कि हम दो गाड़ियाँ कार ट्रेलर में ला पाते हैं कि नहीं। तो दो गाड़ियाँ मैंने रखी ज़रूर थी, बट स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। मेरे को बढ़िया वाली कार ले जानी थी, मैं शायद वो छोटी वाली गाड़ी चला रहा था, पिकअप चला रहा था शायद से, अब उसकी इतनी पावर नहीं है शायद इसलिए। चलो हम ये रख देते हैं, ये सब खाना पीना भर देते हैं गाइस, आई मीन अभी जमाएंगे नहीं, बस भर देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि एक दो दिन चल जाए, फिर रात के टाइम जब मेरे को फ्री टाइम रहेगा तो मैं जमा दूंगा सब कुछ, आई मीन गेम का रात टाइम, नॉट रियल टाइम। तो गाइस मैंने गैराज पे भी थोड़ा काम किया था, देख सकते हो थोड़ा बहुत छत बनाना चालू किया है, आई मीन ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, बट कुछ ऐसा लगेगा अपना छत। एंड यहाँ पे खिड़की भी दे दी है मैंने, खिड़की इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे फिर वुड रख नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम वहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं होपफुली, तो ये बढ़िया दिखेगा, एक बार पूरा बन जाना तब बढ़िया दिखेगा, लेकिन इसके लिए वुड बहुत चाहिए एंड भाई टाइम भी काफ़ी लगता है जमाने में। तो गाइस एक बार बारिश बंद हो जाए फिर अपना प्रोडक्शन चालू करेंगे, मेरे को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइस बारिश तो बंद हो चुकी है, धूप निकल आई है एंड अब चालू करते हैं अपना काम। तो ये देख सकते हो हमारे तीन तीन मशीन लगे हुए हैं भाई, तो फटाफट काम होना चाहिए अपना, तो ये काम चालू करते हैं। ये डाला हमने इसमें, ये डाला, ओ ओ ओ नहीं गलती कर दी, नहीं बाबा गए भाई गए, भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। तो गाइस मैं बर्तन लाना तो भूल ही गया, बर्तन किधर है? ओ भाई ये एकदम ध्यान में नहीं था यार कि बर्तन नहीं है उधर। हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर, नुकसान करा दिया गाइस 5 रुपये का है। इसको मैं अंदर रख देता हूँ, ये बाहर क्या कर रहा था? ओ शायद मैं घर बना रहा था तब बाहर रखा था मैं अंदर भी नहीं ले गया गाइस, कुछ जमा नहीं हुआ है हमारे रैंच में, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। चलो आप स्टार्ट करते हैं गाइस। Thank you.
तो गाइस जैसा कि देख सकते हो कि हमारे सॉसेजेस तो बन के तैयार हैं, अब बस हमें इन्हें टांगने जाना है अपने क्योरिंग रूम में। तो चलते हैं गाइस, इनको भी टांग देते हैं ताकि ये बनते रहें, फिर हम बनाने जाएंगे मीट बॉल्स। चलो गाइस, मीट बॉल बनाने की बारी आ चुकी है, तो हम लोग सबसे पहले जाके पिग ले आते हैं, अपना पिग को ले आते हैं। आई थिंक एक दो पिग बड़े हो गए होंगे, एक शायद था पहले से बड़ा, तो हम उसको ले आते हैं एंड उसको मार के कलेक्ट कर लेते हैं अपना मीट, देन हम बनाएंगे मीट बॉल्स। तो ये हमारे मीट बॉल्स भी बन के तैयार है, बस इनको टांगना है और थोड़ा सा वेट करना है, फिर असली मजा दिखेगा गाइस। 3 days later उफ गाइस, बहुत टाइम बाद फाइनली सब कुछ हमारा बनने वाला है। ये आखिरी बैच भी बन के तैयार है हमारा मीट बॉल्स का, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कलेक्ट कर लिया है। तो ये दूध हटाओ सबसे पहले, तो ये देख सकते हो हमारे पास 7 डब्बे हैं सॉसेजेस के, एंड यहाँ अंडे तो ये फुल हैं, और यहाँ पे हमारे मीट बॉल्स भी बन के तैयार हैं। देखो 6-7 डब्बे यहाँ पे भी बन के तैयार हैं, अब बस आखिरी बैच कलेक्ट करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं गाइस। और हमारे कुछ चीज सॉसेजेस भी, चीज बन के तैयार हैं, सॉसेज बोल के दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ, तो हमारे चीज भी तैयार हैं विथ ब्लू मोल्ड एंड एग, तो हम उनको भी ले चलेंगे बेचने के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है गाइस। आज तो एकदम माल ही माल मिलने वाला है। ओके, ये डब्बा भी भर गया, सारे डब्बे भरने हैं भाई अपने। ये रहा एक डब्बा, तो इसमें मीट बॉल है। चलो ओके, हमने सब कलेक्ट कर लिया, मीट बॉल्स हमने सारे कलेक्ट कर लिए हैं, अब इसको हम रख देते हैं। ये रहा आप मीट बॉल, तो ये देखो 12 12 12 12। रॉ यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, कोई नहीं, हमने शायद एक्स्ट्रा ही बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये एक गरीब चिकन सॉसेज जो शुरू से इधर उधर घूम रहा है, इसको भी मैं डाल देता हूँ। वेट अ मिनट गाइस, हमें एक और डब्बा चाहिए, बस एक और। इधर है, ओके, इधर तो डब्बे ही नहीं है भाई। चलो शायद इधर, हाँ इधर हमने जमा के रखेंगे गाइस अच्छे डब्बे। ये रहे हमारे डब्बे, तो हम अपने चीज भी उठा लेते हैं एंड बस अब चलना है गाइस बेचने को। ओ भाई साहब देख रहे हो कितने डब्बे भाई, 15-20 डब्बे हैं यहाँ पे। ओ तेरी, कि इसको तो भरने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो अपन चलेंगे अपनी ये वाली गाड़ी में, पिकअप में चलेंगे, इसमें सारा सामान आएगा, मेरे को नहीं लगता सारा सामान आएगा। हम ट्रेलर अटैच कर लेते हैं, अगर सारा सामान आ गया तो ट्रेलर डिटैच कर लेंगे, नहीं तो ट्रेलर के साथ ले चलेंगे। इजी, वेरी इजी। ए हट यहाँ से, ATV हमारी छोटी गाड़ी हट भाई, ये छोटी गाड़ी बहुत काम आती है स्पेशली रैंच में घुमाने के लिए। इधर से उधर कुछ भी बाल्टी वाल्टी ले जाना हो, बस यही लेके चलते रहो, झंझट भी नहीं है ज़्यादा। तो हम ये खोल देते हैं अब बस डब्बे लाना, वहाँ चालू करना है गाइस। गेट बड़ा नहीं होगा क्या यहाँ पे?
उफ, ये रखा फटाफट रख देते हैं हम सब। तो ये सारा हमने रख दिया है, क्या हम दूध भी बेचते हैं? चलो हम अंडे भी ले चलते हैं भाई, अंडे उठाने पे तो लैग कर रहा है भाई। इधर पता है 250-300 अंडे हैं इसमें शायद, मैं एक बार चेक करने गया था लास्ट टाइम तो मेरे को 250-300 अंडे थे। तो मैं ये एक दूध का कैन भी ले चलता हूँ अब, बस का इसको ऊपर रखना है ऊपर भी रखना है। ओके तो गाइस हमारा सारा सामान एक गाड़ी में ही आ चुका है, तो ट्रेलर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं गाइस हमारा अगला स्टॉप जो कि है फास्ट फूड रेस्टोरेंट, एंड मैं जो सॉसेजेस और मीट बॉल्स हैं उनको मैं बेचूंगा मल्टीप्लायर में। तो एक मिनट, मैं अपना स्लीपिंग बैग तो भूल ही गया, स्लीपिंग बैग तो ले ही लूँ, उसको मैं सिर्फ मल्टीप्लायर में बेचूंगा क्योंकि भाई इतनी मेहनत की है तो मैं प्रॉफिट तो नहीं छोड़ने वाला गाइस, नो नेवर। हाँ तो स्लीपिंग बैग भी ले लिया है, अब चलते हैं सीधा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, हियर वी गो। ओ आ चुके हैं गाइस हम, लैग भाई हम इतना सामान लाए कि लैग हो गया। बीफ मीट बॉल, पोर्क सॉसेजेस, चलो सॉसेजेस पे 2x मल्टीप्लायर है तो ठीक है, बाकी मीट बॉल्स पे तो वैसे भी इतना पैसा नहीं मिलता है। $19,000 ठीक है, मेरे को पता ही था। वो भी देखो 1,500 तो अंडे का हटा दो और दूध का $126, चलो मायने भी नहीं रखता। तो यहाँ पे हमारे सॉसेजेस का मिल रहा है $120 यानी 2x पे, एंड चीज भी हमारा है $1,000 का, तो यानी मान के चलो कि हमें 17-18 हज़ार मिल रहा है, $17,000 साला 200 आइटम्स का सॉसेजेस एंड मीट बॉल्स मिला के 17,000। वाह गज, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा डील मिल जाए, अगर मीट बॉल्स पे भी मल्टीप्लायर आ गया तो बढ़िया हो जाएगा। तो रुको चलो गाइस, कुछ खास ऑफर तो मिला नहीं, तो पोर्क सॉसेजेस ही हम बेच देते हैं 2x मल्टीप्लायर में, एंड $19,325 मिलेंगे गाइस टोटल। आई मीन मान के चलो कि 17,000 मिल रहे हैं हमें सॉसेजेस एंड मीट बॉल्स के, तो भाई बढ़िया है। पैसे का भी कुछ वैसे भी कुछ खास काम है नहीं, तो बेचो खत्म करो। देख सकते हैं 483 आइटम्स है अपने पास भाई, 483 जिसमें से 269 अंडे हैं और 42 मिल्क है। चलो गाइस बेच देते हैं फटाफट, एंड अटक गया। ओ भाई हो गया। तो हमारे पास हो चुका है $42,000 भाई साहब, क्या करिएगा आप इतने पैसों का उसी के साथ ये वीडियो भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, अगर मजा आया तो लाइक बटन जरूर दबाना। हम ऐसे ही आएंगे अगले वीडियो में, ऐसे कुछ मजेदार चीजें करेंगे तो बने रहो। एंड नई गेम की सीरीज भी आ रही है जो कि हमारा है प्रिजन सिमुलेटर, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून। तो भूतनी के साले हराता है। अरे